घूम के वो खाओ, फिर कितना घूम रहे थे तुम। मैं कह रहा आईफोन 12 13 प्रो मैक्स लेना, मैं गुर्दा काट दे मेरा। उन्होंने कहा गुर्दा तेरा एक्सपायर होया तो गुर्दा मैं नहीं ले सकता। एक औरत का हाथ नहीं होता, बहुत सारी औरतों का हाथ होता, बताता वो एक औरत है। घुटनों पे बैठ के करें ना फिर प्रपोज। घुटनों पे बैठ के करूं? हां बहुत ज्यादा अच्छी, मैं बता रहा हूं। आप पकड़ सकते हैं कि नहीं? मैं पकड़ लिया, देखो शानी रिश्ता पगड़ी रिश्ता पगीजा का रिश्ता दे दे मुझे, मैं कहूंगा। गरम गरम चा हाथ ते डुल गई। नाजरीन बत्ती कभी बुझती है कभी बंद होती है, यहाँ पे लोगों को बड़े चक्कर देते हैं। आज हम इनका चेक करते हैं कि ये हमारे चक्करों में फंसते हैं या नहीं, या हम ही फंसा के चल जाएंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं चंगा, तू सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। मैंने दोस्तों इतने की कर रहा हूँ इतने, मैं घूमन फिर आए थे तो मैं क्या दुनिया घुमा फिरा लिए थोड़ी जी। घूम के वो खाओ, फिर कितना घूम रहे थे? बहुत बढ़िया घूम लिया, हम तो घर ही जाना चाहिए इस तो बाद। हाँ चलो फिर चलिए चलिए। अच्छा मैंने दसो के जवाब नहीं देता नहीं जवाब नहीं देना। अच्छा मैंने दसो के दोस्तियाँ संभालें, रिश्तेदारियाँ संभालें, या फिर काम काज संभालें, जॉब्स भी करनी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है आजकल, आप किन किन चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं और किन को साइड पर करते हैं? सॉरी मुझे समझ नहीं आई। अच्छा दिमाग होगा तो समझ आएगी ना, भूसा भरा है दिमाग से तो की समझ आना है। अपनी बातें ना करे ना, मुझसे मेरा सवाल पूछे। बड़ा ताड़ा की कहंदे ने माइकल जैक्सन दे भरा वर्गा मुंह हैगा तो गल सेम टू यू। किदा मैं भरा थोड़ी, मैं तो तुसी कौन हो? मैं इंसान हूं खूबसूरत। ओह माय गॉड, ये गलतफहमी कब से पाल ली आपने? बस क्या कहते, गलत फहमी नहीं है, लोग ऐसे जल के ऐसी बातें कर देते होते हैं। यहाँ से काफी धुआं उठ रहा है। अबे यार लड़कियाँ जलती हैं, लड़के नहीं जलते। लड़के क्यों जलेंगे तुम्हारी खूबसूरत? लड़के जलते हैं लड़कियों से, खूबसूरत लड़कियों से उन्हें मिलती जो नहीं है। जब लूमड़ी को भी अंगूर नहीं मिले थे तो उसने कहा था अंगूर खट्टे हैं। और बताइए जी, और क्या हाल है आपके? नाली बोलती बात। अच्छा मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि डिप्रेशन है, ठीक है, दोस्तियाँ संभालें, जॉब हैंडल करें, इतने ज़्यादा तंगियाँ हैं, हालात भी ख़राब हैं, तो आप किन चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं और किन को साइड पर कर देते हैं? बहुत हालात ख़राब है, बहुत हालात ख़राब है। गुर्दे तो ऑपरेशन कराया कल, मैं कह रहे थे आईफोन 12 13 प्रो मैक्स लेना, मैं गुर्दा काट दिया मेरा। उन्होंने कहा गुर्दा तेरा एक्सपायर होया है तो गुर्दा मैं नहीं ला सकता। उनकी करा मैंने दसो तुम ले आके दोगे आईफोन? थोड़े पान खाते करो, थोड़ी सिगरेटा पीती करो, क्योंकि तेरे गुर्दे जड़े वो फारिग हो चुके हैं। पान तो मैं खाता नहीं हूँ यार, पान बहुत बुरी चीज़ है। पान खाने से मैंने पान दे पत्ते और खाता डम हुए खाता है, पान नहीं खाता। सेम टू यू दाएगा जी, आज वाला वाला भैया। अगर कोई और जुगत लानी होती है मेरी फाड़ के मैंने कही जाने सेम टू यू वाली 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 भैया, ये मेरी जुगत है। अच्छा मुझे जुगत ही नहीं ना आती, मैं शरीफ आदमी हूँ। फिर तो तुम फाड़ के बहुत लानी चाहिए, तुम जवाब ही नहीं आना। जवाब पूछा क्या था आपने? बंदा टेंशन में क्या क्या पाले? आप क्या क्या पालते हैं और किन किन चीज़ों को साइड पर करते हैं? तो देखिएगा अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, रोने ना लग पड़ना मेरी बातें सुन के। नहीं ऐसे सीरियस होना ला था डमू नहीं है, पर हो लो तुसे। मैं हो सन हो नहीं सकता, चलो मैं सीरियस थोड़ा सा कर लेता हूँ कि रिश्तेदारियों में देखा जाए, अगर सबसे पहले रिश्तेदारी में देखना घर देखना, दोस्ती भी देखना सबसे पहले घर देखना, अगर बाहर की कोई लाइफ है, अगर आपने कोई गर्लफ्रेंड रखी हो तो फिर आपने पहले सबसे पहले घर देखना। अगर आपके घर वाले आपसे कुछ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर के लिए बेहतर है, और तुम सब में से मैं बेहतर हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ, तो तुम में से सबसे बेहतर वही है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। घर वालों में तुम्हारी शादी अगर हो गई तो तुम अपनी बीवी को पूरा पूरा टाइम दो, पूरा पूरा टाइम दो, जोड़ा बाहर देना दोस्तों ना खाना पीना, वो अपनी बीवी को टाइम दो, और तुम्हारी कामयाबी एक दिन चीख मार के बच्ची की सूरत में तुम्हारे हाथ में आएगी। समझ आएगी नहीं? अब आप एग्री करते हैं इस बात से कि हर मर्द के पीछे, मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? एक औरत का हाथ नहीं होता, बहुत सारी औरतों का हाथ होता, बताता वो एक औरत है। भी आप साथ डाली जा रहे हैं। सबको मिक्स करके वो बताता है कि बस वो आखिर में एक औरत को कहता है। अच्छा कहते हैं कि वो ना कामयाब औरत कामयाब मर्द को चुनती है। फॉर एग्जांपल कि किसी औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है, औरत चुनती ही उसी मर्द को होता है जो कामयाब होता है। ये बेवकूफ़ बनाया होता लोगों ने, है ना?
औरत को पता चल जाता है। अब लड़की फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, तो वहाँ पर लड़की देखती है कि इस लड़के का क्या माइंडसेट है, इसने आगे क्या करना है, वो उसको पता चल जाता है। कोई छोटू छोटू पा लेंदे उन्होंने भी कुड़ियाँ सरसुट हो जाती जिनका कोई मुस्तकबिल भी नहीं है। चलो एंड पर टॉपिक पे आते हैं। लड़के भी तो ऐसे करते हैं ना कि जो अमीर होती है उनको फंसा लेते हैं, आंटियों को बेचारियों को। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब क्या करें, दुनिया ने चलना है, इसी तरह हम अपनी बातें करेंगे भी तो उन्होंने फंसा लेने, उन्होंने सेट हो जाना, ब्याह हो जाने सारे, अरे चुप हो जाना, दुनिया ने खत्म हो गया, जो कुछ हैगा दे दो, लेके की जाना खर्चे। काडा ब्याह हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ यार, मैं सर्चिंग पे हूं। कर ले फिर कोई प्यारी सी लड़की। हाँ चले, हाँ करें फिर, मौलवी को बुला के निकाह पढ़ाते हैं यहाँ पे। तुम अगर मैं मौलवी का आवाज दी ना, मुझे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आया अपने साथ, इसीलिए। मेरा नाम मुजम्मिल कुरैशी। ये देखिए मुजम्मिल कुरैशी मुझे जो है ऑन एयर प्रपोज करी जा रहे हैं। हाँ तो बुरी बात है क्या? घुटनों पे बैठ के करें ना फिर प्रपोज। घुटनों पे बैठ के करूँ? हाँ। यार मेरी वाली देखेगी तो मेरे तो आपकी वाली आपके साथ ही रहेंगी, ये मुझे लाइने मारे ही, किसी को भी मार सकते हैं, सर तुम छोड़ दो इनको। अच्छा कभी कोई ऐसा आपका ख्वाहिश हो, कोई ऐसा ख्वाब हो जो आपका रियलिटी में पूरा नहीं हुआ लेकिन इमेजिनेशन में आपने कुछ पूरे किए हो? हाँ मैंने तो सोचा था कि मैं 18 साल की उम्र में शादी होगी, 4-5 बच्चे खिलाऊंगा मैं कट्ठे ही, तो वो अभी तक मैं सोची जा रहा हूँ। मैंने कहा था यार रश पा देना, रश पर रश अभी तक घर वालों को कोई फिक्र ही नहीं है यार, लड़का जवान हो गया, आप तो कुछ सोचो यार। हाँ। सोचो यार मेरे बारे में। हाँ जवानी जवानी निकली जा रही है, मैं निकली जा रहा हूँ। टीके लगवा लगवा के अपनी झूरियाँ छुपा रहे हैं आप। 8 साल के बाबे अंदर से कोट में अपनी झूरियाँ छुपा रहे हैं। मैं अंदर से किसी को नहीं दिखा सकता मैं क्या हूँ। क्या मतलब क्या है आप, मुझे डाउट हो रहा है आप पर। ठीक है, है? मैं अंदर से बहुत बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, बहुत मासूम हूँ, आपको बताया ना। शराफत दे ना तो तुसी, ओ जिनके 4 बच्चे आपने इकट्ठे ही पता नहीं कहाँ से, 4 नहीं पूरे 12 बच्चे, पूरा दर्जन क्रिकेट टीम मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है कितना लगेगी, ऐदा नहीं अल्लाह करोगे ताड़े नाल किसी ने ब्याह नहीं करना। ये तो नसीबों की बात है ना, लाइन लगी हुई है यार, मैं बताता नहीं हूँ, मैं बताता नहीं हूँ, छोड़ो बस। फिर तुसी मैच की वेख्या तुसी यार, अंधे लोग हैं वो, अंधे लोग हैं जो आप में कुछ नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ। ओह माय गॉड, गाना सुना दे। मैं गाना सुनाऊँ? चले माइक मुझे दे देंगी आप? मैं सोचा कि शायद माइक नहीं देंगे आप मुझे, आप बहुत अच्छी हैं कसम से, बहुत ज्यादा अच्छी मैं बता रहा हूँ। आप पकड़ सकते हैं कि नहीं? मैं पकड़ लिया देखो। तो गाइस मैं आपको गाना सुनाने लगा हूँ, अपने कानों को बर्दाश्त करिएगा, हैंड फ्री लगाई हुई तो आवाज़ थोड़ी स्लो रखिएगा, बंद कर लो आवाज़ सुन के, इम्प्रेस ना हो जाना मेरे से। अच्छा गलत फहमियाँ। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी ही निगाह सजना, जान दी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उचिया दीवारा रखिया, निदू दिल दे चार चफेरे, नल सांभ के रख दी कोई दिल से न लाले डेरे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आवाज? ये गाना गा के आप जरूर जो है वो दिहाड़ी लगा सकते हैं 5,000-6,000 की, उधर मेन पे बैठे। हाँ, और मुझे, ऐसे ही मुझे अपने घर के दरवाजे के सामने, मैं अंकल को कहूंगा कल रिक्शा दे दिया मैंने। नाम क्या? रिक्शा नहीं, रिश्ता पगड़ी, रिश्ता पगीसा का रिश्ता दे दिया मुझे, मैं कहूंगा। बस कर दे मम्मा, देख लेना मान ही ना चाहिए। ठीक है ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हम और लोगों से बात करते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, ऐसे बहुत नमूने बाकी हैं आए और लोगों से।